वन मिनट सारी या फिर रेडी टू वेयर सारी ने ना एकदम मतलब भगवान ने जैसे भेजा है उन्हें हम जैसे लोगों के लिए जिनको साड़ी पहनना बिल्कुल भी नहीं आता है ट्रस्ट मी निकाई कुछ कुछ साड़ियां तो इतनी ज्यादा लाइट वेटेड है और इतनी हैवी लुकिंग है लाइक like, दूर से आप देखोगे तो ऐसा लगेगा तो कि काफी ज्यादा हैवी है बट है। बस वन मिनट में आपको उसको ड्रेप करना है एंड यू आर गुड टू गो डेफिनेटली आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि टेन टू ट्वेल्व आई थिंक ट्वेल्व साड़ीज हैं टोटल एंड जितनी भी इनके साथ मैंने ब्लाउजेस वगैरह पेयर किए हैं सब कुछ मैंने मीशो से ही परचेज किया है इवन एक्सेसरीज वगैरह जो भी मैंने इसके साथ पैर की है सब कुछ आपको मीशो पे मिल जाएगा तो जिनका भी कोड या लिंक आपको नहीं मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिए आप लोग कमेंट में मुझे बोल देना मैं लिंक डाल दूंगी अदरवाइज सारी साड़ीज के एक्सेसरीज के ब्लाउजेस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी तो आप लोग जाके वहां से देख लेना तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो टेन टेन ओके गाइस तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले लाइट वेटेड साड़ीज के साथ टू लाइट वेटेड साड़ी सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं इस वाली साड़ी की इसका जो भी प्राइस वगैरह है सब कुछ आपको यहाँ पे सामने दिख रहा होगा सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं इस साड़ी की ये साड़ी काफी ज्यादा लाइट वेटेड है एंड कलर काम कॉम्बिनेशन आप देख ही सकते हो सिल्वर एंड and... पर्पल का मिक्स है लाइक like नीचे जाते जाते ना थोड़ा डार्क पर्पल हो जा रहा है ऊपर जाते आते लाइट पर्पल फिर उसके बाद सिल्वर हो जा रहा है एंड इसमें ना आपको यहाँ पे देखिए जरी से ना पूरा वूविंग की मतलब वूविंग किया गया है जैसे प्रिंट नहीं है ये पूरा जरी का वर्क दे रखा है सारी के अंदर अंदर काफी ज्यादा लाइट वेटेड है ये साड़ी आई थिंक कौन सा कपड़ा है ये थोड़ा सा जॉर्जेट वाला कपड़ा है एंड इसका जो ये है ना आंचल है ना इसमें तुरपाई भी दे रखी है तो आपको अलग से तुरपाई वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आंचल का जो आ, ये है एरिया ये काफी ज्यादा लंबा है एंड ये रहा इसका स्टिचिंग वाला पार्ट जो कि रेडी टू वेयर होता है यहाँ पे आपको प्लीट्स बनी हुई मिलेंगी आपको अलग से प्लीट्स बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी एंड ये रहा साड़ी का बेल्ट ये पूरा का पूरा बेल्ट है देखो इस साड़ी में ना मुझे सबसे अच्छा बात ये लगा कि इसमें ना हुक

टू अगर आपकी फाइव सिक्स हाइट हो फाइव सेवन फाइव एट भी हो हाइट तो भी आप आराम से इसको पहन पाओगे काफी ज्यादा मतलब हाइट अच्छी खासी है इसकी इस साड़ी की एंड लुक वाइज बहुत ही ज्यादा परफेक्ट लगता है ये ना ऐसे समझ की जैसे लाइट वेटेड साड़ी अगर आप पहनना पसंद करते हो इस तरीके की तो आप इसे वेडिंग में भी स्टाइल कर सकते हो लाइक वेडिंग के किसी फंक्शन में भी स्टाइल कर सकते हो बट फेयरवेल पार्टी हो गया फ्रेशर पार्टी हो गया कॉलेज में से छोटा मोटा फंक्शन हो गया वहां पे आप पहन के जा सकते हो या फिर आप अपने ऑफिस में इसको पहन के जा सकते हो ऑफिस का किसी फंक्शन में पहन के जा सकते हो या फिर घर में से छोटी मोटी पूजा फंक्शन हो रही है या फिर कुछ भी ऐसे गेट टूगेदर हो रहा है वहां पे आप पहन सकते हो जहां पे आपको साड़ी पहनना हो डेली वेयर में भी अगर न्यूली वेड हो वहां पे भी आप पहन सकते हो क्योंकि इस तरीके की

में चला जाता है ये कलर एंड ये भी सिमिलर फैब्रिक की साड़ी है काफी ज्यादा लाइट वेटेड है इसमें कोई प्रिंट विंट नहीं मिलेगा बट आपको अंदर से ही ना छीन मिलेगी इस साड़ी में जो कि काफी ज्यादा अच्छी लगती है अगेन ये भी आप समर्स में बहुत ही ज्यादा इजिली स्टाइल कर सकते हो इसमें भी आपको इस तरीके से बेल्ट मिल जाएगी जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट यू नो इस तरीके के हुक्स मिल जाएंगे जिसमें आप अपने इस uh, चीज को लाइक like, यहाँ पे कहा गया फर्स्ट ये बेल्ट ये चीज है ना ये हुक आप इसमें फंसा सकते हो जस्ट आपको इस तरीके से करना है एंड आपकी जो रेडी टू वेयर साड़ी है वो बस ऐसे बन के तैयार हो जाएगी ये बेल्ट आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो लाइक like, जितनी भी आपकी कमर हो उस अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो तो स्मॉल से लार्ज साइज तक जाती है एंड ये रहा इसका सिंपल सा पल्लू एंड इसमें भी पल्लू में तुरपाई दे रखी है आप चाहो तो इसमें फॉल लगवा सकते हो एंड इन दोनों ही साड़ीज में ना ये ब्लैक कलर के अलग से ब्लाउज के पीसेस मिले हैं ब्लाउज का कपड़ा भी काफी अच्छा है लाइक like, दोनों के ब्लाउज का कपड़ा अच्छा है इसमें आप कॉटन के स्तर लगा के बनवाना काफी ज्यादा अच्छा लगेगा फुल स्लीव्स का भी बनवा सकते हो हाफ स्लीव्स का बनवा सकते हो कट स्लीव्स का बनवा सकते हो जैसा सक... करे वैसा ब्लाउज बनवा सकते हो इनकेस अगर आपके पास ब्लैक कलर का ब्लाउज अलग से है अवेलेबल है पहले से तो आप उसके साथ भी इसको पेयर कर सकते हो तो so, डेफिनेटली इन दोनों के लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में तो आप लोग चेकआउट करना बिल्कुल भी मत ओके गाइस सो लेट्स टॉक अबाउट दिस साड़ी एंड ओ माय गॉड ये इतनी ज्यादा सॉफ्ट साड़ी है ना लाइक like समर्स के लिए ना इस तरीके के कपड़े बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं एंड काफी ज्यादा मतलब सूदिंग लगते हैं आपके स्किन में एंड ये ना कलर इसमें जितने भी कलर्स अवेलेबल हैं इस तरीके की साड़ी के वो सारे के सारे पेस्टल कलर हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगे लाइक like, समझ में ना पेस्टल कलर बहुत अच्छे लगते हैं एंड इसमें भी सेम तरीके से आपको ये देखिए बेल्ट दे रखा है और इसमें एक सॉरी इसमें एक ना अलग से बांधने के लिए डोरी भी दे रखी है तो इन केस अगर आप लार्ज साइज को तो आप आराम से इसको बांध भी सकते हो अपने कमर पे बट अगर आप नहीं बांधना चाहते हो तो आप एज सिंपल जैसे आप रेडी टू वे साड़ी मतलब एक तरीके से एक एक तरफ से आपसे लपेट के उसके बाद आपको जस्ट हुक लगाना है एंड यू आर गुड टू गो बहुत ही ज्यादा स्वीट एंड सिंपल सी साड़ी है आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से फैब्रिक है यहाँ पे ना कुछ इस तरीके से रूस्ट रूस्ट करके डिटेलिंग दे रखी है एंड ओवरऑल कुछ इस तरीके से प्रिंट है जो की एकदम समर अप्रोप्रिएट है समर्स में ना आप कहीं भी ऐसे मंदिर वगैरह पे जा रहे हो आ, हिल स्टेशन वगैरह पे जा रहे हो वहाँ पे मंदिर विजिट पे जा रहे हो वहां पे भी आप पहन सकते हो काफी खूबसूरत लगने वाला है कॉलेज ऑफिस के लिए तो एकदम परफेक्ट होने वाला है एकदम लाइट वेटेड डेली वेयर के लिए भी आप ले सकते हो काफी अफोर्डेबल रेट में है जैसे कि आपको प्राइस दिख ही रहा होगा एंड इसमें कई सारे कलर्स अवेलेबल है एंड ये रही इसकी प्लीट्स जो की ऑलरेडी बनी हुई है आपको प्लीट्स बनाने की कोई झंझट नहीं है प्लीट्स बनी हुई है और स्टिच भी है तो कोई दिक्कत नहीं है एंड बॉर्डर पे ना आपको इस तरीके से पतली सी बहुत ज्यादा ही पतली सी लेस मिल जाएगी इस तरीके से एंड uh, बहुत ही ज्यादा स्वीट एंड सिंपल सी साड़ी है समझ के लिए एकदम परफेक्ट है बहुत ही इजीली स्टाइल कर सकते हो आप इसको आप चाहो तो ऑक्सीडाइज जूलिस के साथ स्टाइल कर सकते हो या फिर ग्रीन कलर की या फिर पिंक कलर की बैंगल्स के साथ स्टाइल करो छोटा सा चोकर डाल लो उसके साथ भी चल जाएगी मैंने तो इसको ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ ही स्टाइल किया था एंड काफी ज्यादा प्रिटी लग रही थी फेयरवेल के लिए भी काफी अच्छा ऑप्शन है फ्रेश पार्टी जिसके यहाँ अभी नहीं हुई है वो भी इसको ले सकते हो काफी खूबसूरत सा एक साड़ी है ये साड़ी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा काफी लाइट वेटेड है एंड समर्स के लिए एकदम परफेक्ट है so definitely go for it link in the description box ये दो सारियां हैं ये दोनों भी अगेन अः इसको मैं बोलूंगी ये डेली वेयर साड़ी है अगर आप ऑफिस कॉलेज जाते हो ना तो इसको डेली पहन के जा सकते हो इवन जिसको ना घर पे सारी डेली पहनना होता है ना उनके लिए भी एकदम परफेक्ट होने वाला है एंड कॉलेज ऑफिस के लिए भी आप इसको एज अ पार्टी वेयर साड़ी भी कंसीडर कर सकते हो क्योंकि इसका प्रिंट मुझे काफी अच्छा लगा लाइक ब्लैक कलर का अः इस तरीके से स्ट्राइप दे रखा है एंड काफी ज्यादा लाइट वेटेड साड़ी है इसमें भी आपको ये प्लीज जो है वो इस तरीके से स्टिच स्टिस्ड uh, मिलेंगी एंड इसमें भी ऐसा सिंपल सा आपको बॉर्डर मिल जाएगा इस तरीके से लेस की डिटेलिंग सिंपली एंड ओवरऑल आपको इस तरीके से पूरा पल्लू मिल जाएगा कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अच्छा है इसमें इस तरीके के आपको प्लेन ब्लैक कलर की ब्लाउज मिल जाएगी अगेन आपको बनवाना हो बनवाओ नहीं बनवाना हो तो आपके पास आ, अ पहले से अगर ब्लैक कलर का ब्लाउज हो तो आप उसके साथ भी पहन सकते हो अदरवाइज मैंने जो इस, जिस ब्लाउज के साथ इसको पेयर किया है वो मैंने मीशो से परचेज किया है तो आप उसको भी ले सकते हो इस तरीके की साड़ी को ना लाइट वेटेड साड़ी इसको आप ऑक्सीडाइज सिल्वर जूबली स्टाइल करो बहुत ही ज्यादा प्रिटी लगे इवन आप बड़े बड़े झुमके भी पहन सकते हो अगर कुछ और नहीं पहनना चाहते हो सिर्फ बैंगल्स डाल सकते हो बहुत सुंदर लगते हैं इस तरीके के साड़ीज के साथ एंड ये काफी ज्यादा लाइट वेटेड जॉर्जिट मटेरियल की साड़ी है काफी ईजिली स्टाइल हो जाती है देखो प्री डेप्ड है तो उसमें कोई झंझट नहीं है बट कभी कभी होता है ना कि प्री डेप्ड है तो भी हैवी है तो आप उसको सारे दिन कैरी नहीं कर सकते हो बट डेली वेयर के लिए एकदम परफेक्ट साड़ी है ऑफिस कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए जो भी ऑफ कॉलेज वगैरह में पढ़ाने जाती है ना उनको डेली साड़ी पहननी पड़ती है मुझे पता है तो उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट साड़ी होने वाली है सो डेफिनेटली गो फॉर इट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड अगेन सेम उसी तरीके से ये ब्लैक फ्लोरल प्रिंट की साड़ी है ये भी काफी अच्छी जॉर्जेड मटेरियल की साड़ी है सिमिलर फैब्रिक सिमिलर पैटर्न एवरीथिंग थिंग इज सिमिलर अबाउट दिस ये भी प्रीड्रेप्ड है साड़ी मतलब मैं आपको दिखा देती हूँ पहले से ही उसी तरीके से सिमिलर इसमें भी बेल्ट है लाइक हुक आप आपका कमर का जो साइज हो ना उसके हिसाब से आप खूब इसका लगवा सक, लगा सकते हो इसमें भी डोरी दी गई है बांधने के लिए लाइक सिक्योरिटी आपको फुल दे दी गई है बस आपको ड्रे बस इसको अपने कमर में बांधना है एंड यू आर गुड टू गो ये हा इसका पल्लू जिसमें अगेन रेड कलर की बॉर्डर दे दे रखी है एंड इसका जो ब्लाउज है आई थिंक think... हाँ ये सिमिलर ही है लाइक इसी फैब्रिक का ही सिमिलर ये ब्लाउज का फैब्रिक आपको अलग से अटैच इसी में ही मिल जाएगा बट मैं आपको कहूँगी कि आप ब्लैक कलर के ब्लाउज के साथ इसको स्टाइल करना काफ़ी अच्छा लगेगा अगर सिमिलर फैब्रिक का ब्लाउज है उसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से भी आप बनवा सकते हो जैसे सोनम कपूर स्टाइल में ब्लाउजेस जो बनते हैं ना वैसे बनवाना वो भी काफी अच्छा लगेगा थोड़ा सा पार्टी वेयर लुक अगर देना चाहते हो तो ये आप इसको पिक कर सकते हो फॉर दिस समर सीजन सो गाइज हमारे पास एक दो लाइट वेटेड साड़ी और है बट बीच में मैं चाहती हूँ कि मैं आपको थोड़ा सा हैवी एक साड़ी दिखाऊं तो जो मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट साड़ी है वो है दिस साड़ी ये साड़ी काफी ज्यादा खूबसूरत है लाइक समर्स में ना अगर किसी के घर में भी वेडिंग पड़ रहा है तो अभी पॉज करो और इसका जाओ लिंक पे क्लिक करो और फटाफट से इसको ग्रैब कर लो इससे पहले कि ये स्टॉक आउट हो जाएगा इस काफी ज्यादा खूबसूरत साड़ी है ये एक लहंगा स्टाइल में साड़ी है इसमें आपको लहंगा मिलेगा प्री ड्रेप इसका पल्लू है एंड ये आपको रेडी टू वेयर इसका ब्लाउज मिल जाएगा फुल्ली स्टेज इसमें आपको कप्स लगे हुए भी मिल जाएंगे डोरी लगी हुई मिल जाएगी आपको इसमें कुछ नहीं करना है सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें हुक्स लगाने पड़ेंगे जो कि हुक्स आपको इसमें अवेलेबल मिल जाएगा बस आपको हुक्स लगवाने अपने टेलर के पास जाके कलर मेहंदी ग्रीन कलर है सो आप सोच सकते हो कि किसी की मेहंदी इवन जो ब्राइड टू बी है अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहती है डेफिनेटली गो फॉर इट क्योंकि यार देखो कोई भी आउटफिट हो आप उसको स्टाइल करोगे ना तो वो एकदम लग्जूरियस लगने ही लगता है एंड ट्रस्ट मी मैं इसको ट्राई ऑन में आप देख सकते हो कि मैंने इसको कैसे स्टाइल किया है ये काफी ज्यादा लग्जूरियस लग रहा था इसको आप हल्दी मेहंदी संगीत किसी में भी पहन सकते हो आजकल कलर का कोई बाउंडेशन नहीं होता है बट मेहंदी फंक्शन के लिए एकदम परफेक्ट है बहुत ही सुंदर साड़ी है इसमें कलर्स अवेलेबल हैं कि नहीं है मुझे एग्जैक्टली exactly याद नहीं है बट अगर होगा तो आप लिंक के थ्रू क्लिक करके देख लेना इसका जो ये है ना आपको डिजाँ, ये डिजाइन जो दिख रही है वो प्रिंट नहीं है ये पूरी की पूरी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है इसमें काफी अच्छी बारीक एम्ब्रॉयडरी हो रखी है एंड अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये साड़ी इसको तो रेडी टू वेयर लहंगा भी आप बोल सकते हो गाइस क्योंकि ये ना थोड़ा सा लहंगे स्टाइल में ही है फ्रिल वाला आपको प्लेन इस तरीके से ना लहंगा मिल जाएगा ये देखिए लहंगा लहंगे में ना आपको साइड में इस तरीके की चेन मिल जाएगी जिससे कि आप की फिटिंग काफ़ी अच्छी आएगी साइज मैंने शायद इसमें एल साइज़ लिया था ये देखिए इस तरीके की चेन है चेन की क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है इसकी एंड जो इसका मटेरियल है ना सॉफ्ट जॉर्जन मटेरियल में है जो कि समर्स के लिए एकदम परफेक्ट है ये है इसका हुक आराम से आप हुक लगा लो मैंने इसमें लार्ज साइज लिया था जो कि मुझे परफेक्टली फिट आया है तो आप अपने ट्रू टू साइज लेना आपको अच्छे से फिट आएगा इसका फ्रिल काफी अच्छा है घेर वगैरह भी काफी अच्छी है इसका जो हाइट है वो भी डिसेंट हाइट है लाइक मेरा हाइट है फाइव टू मुझे थोड़ा लंबा आ रहा था अगर आपकी हाइट फाइव 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 सिक्स है तो आपको आराम से अच्छे से फिट आ जाएगा थोड़ा सा लोअर करके पहनना एंड ये रहा इसका प्लेन सा पल्लू पूरा का पूरा ये जो स्कर्ट है सारी स्कर्ट आप इसको बोल सकते हो वो पूरा प्लेन है बस मोती की आपको इस तरीके से लेस मिल जाएगी एंड उसके साथ आपको मिल जाएगा ये ब्लाउज एंड सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ दिस साड़ी इज दिस बेल्ट काफी चौड़ी सी आपको इस तरीके से बेल्ट मिल जाएगी बेल्ट में भी एम्ब्रॉयडरी दे रखी है दोनों तरफ से ये मोतियों वाली लेस लगी हुई मिल जाएगी और अच्छा खासा आपको इसमें बंदा मिल जाएगा बांधने के लिए काफी हैवी डिजाइनर वाली फील देती है गाइस इस तरीके का आउटफिट मैंने बहुत कम देखा है अः लिबास पे मैंने इस तरीके के आउटफिट देखे हैं उसके बाद मैंने यहाँ पे देखा है सो so, डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हो फॉर समर वेडिंग फंक्शन गो फॉर इट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड uh, जब हैवी साड़ी की बात चली रही है तो एक और साड़ी मैं दिखा देती हूँ ये रेडी टू वेयर साड़ी तो नहीं है बट ये थोड़ा सा डिजाइनर पार्टी वेयर सारी है एंड ये लाइट वेटेड है बट आपको देखने में थोड़ा हैवी लगेगा इसका ब्लाउज काफी हैवी है एक टाइम एक पे बहुत ज्यादा वायरल चल रहा था तो मैंने इसको ऑर्डर कर लिया था लाइक अभी भी बहुत ज्यादा वायरल चल रहा है फॉर दिस फॉर द एम्ब्रॉयडरी ऑफ दिस ब्लाउज ब्लाउज का एम्ब्रॉयडरी काफी भरा हुआ है इसमें ब्लाउज का कपड़ा काफी अच्छा खासा आपको मिल जाएगा तो आप जैसे पिक्चर में देख लेना इसका है, वैसे इसको बनवा लेना एंड उसके साथ आपको प्लेन साड़ी मिल जाएगी ये जॉर्ज मटेरियल में लाइक सॉफ्ट जॉर्ज मटीरियल में साड़ी है एंड ये रहा इसका बॉर्डर बॉर्डर पे भी सेम एम्ब्रॉयडरी दे रखी है अल्वर टोन में है एंड इसके साथ थोड़ा सा पल वाली जूवली चाहेगी या फिर सिल्वर टोन में अगर आपके पास जूवली है वो भी चली जाएगी इसके साथ आप अः सिमिलर अः कलर का भी बैंगल्स पहन सकते हो या फिर सिल्वर कलर के बैंगल्स भी पहन सकते हो काफी ज्यादा प्रिटी अच्छा ऑप्शन है वेडिंग फंक्शन के लिए आप इसको संगीत वगैरह में पहन सकते हो या फिर दूर की किसी की शादी हो उसमें आप पहन के जा सकते हो घर में भी छोटे मोटे फंक्शन हो उसमें पहन सकते हो न्यूली वेड हो तो आप अपने ट्रॉजों में भी इसको रख सकते हो क्योंकि छोटे मोटे फंक्शन बहुत सारे होते हैं शादी के टाइम पे ब्राइट बी हो उस, वो भी आप ले सकते हो छोटे मोटे फंक्शन में बहुत काम आने वाले हैं क्योंकि काफी लाइट वेटेड है समझ के लिए एकदम परफेक्ट फैब्रिक है ओके गाइस तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं ये लाइट वेटेड साड़ीज की तो एक मैंने ना ये थोड़ा सा बदामी कलर में लाइक पीची पीच कलर में या फिर बदामी कलर जो भी आप बोलो उस कलर का मैंने ये साड़ी लिया है एंड इसका फैब्रिक काफी ज्यादा मखमल की तरह सॉफ्ट फैब्रिक है ये भी एक रेडी टू वेयर साड़ी है लाइट वेटेड पार्टी वेयर सारी है अगर आप इस तरीके की लाइट पेस्टल कलर पहनना पसंद करते हो पार्टीज में तो डेफिनेटली आप इसको ग्रैब कर सकते हो कॉलेज ऑफिस के फंक्शन के लिए एकदम परफेक्ट होने वाला है साथ ही साथ घर के छोटे मोटे फंक्शन में भी ये चल जाएगा इसका प्रिंट मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा सो ये प्रिंटेड साड़ी है इसमें गोल्डन कलर की आपको लेस मिल जाएगी छोटे छोटे से बूटे हैं एंड इसके साथ ना जो ब्लाउज है वो कुछ इस तरीके से प्रिंटेड में कंट्रास्ट में ब्लाउज मिल जाएगा बट आप इसको किसी गोल्डन कलर के ब्लाउज के साथ या फिर इससे मिलता जुलता कोई ब्लाउज है उसके साथ भी पहन सकते हो अदरवाइज इसका जो सिमिलर ब्लाउज है आप उसको भी बनवा सकते हो काफ़ी ज्यादा प्रिटी लगेगा सो तो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट ऑप्शन uh, है समर्स की वेडिंग के लिए वेडिंग फंक्शन के लिए या फिर समर्स के किसी फंक्शन के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है मुझे तो ये सारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी बात करते हैं नेक्स्ट साड़ी की जो कि है मेरी फेवरेट ग्रे कलर की साड़ी ये काफी ज्यादा लाइट वेटेड है सॉफ्ट फैब्रिक है लाइक समझ में इस तरीके की फेब्रिक बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगती है गाइस डेली के लिए अगर आप साड़ी देख रहे हो लाइक कॉलेज ऑफिस में जाने के लिए सो डेफिनेटली आप इसको ग्रैब कर सकते हो क्योंकि कलर काफी ज्यादा रिच है इसमें कलर ऑप्शंस कई सारे मिल जाएंगे सो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो बट मुझे ग्रे कलर काफी अच्छा लग रहा था ये टाई डाई प्रिंट में है सारी रेडी टू वेयर है ये भी अगेन मैं आपको दिखा देती हूँ खोल के तो so, सबसे पहले तो आप इसमें लेस देख लो गोल्डन लेस लगी हुई है ये एंड ये रहा इसका बेल्ट सिमिलर बेल्ट का पैटर्न है साइज इसमें सारे आ जाएंगे लाइक एक्स्ट्रा स्मॉल टू लेके एक्स्ट्रा लार्ज तक जाएगा ये साइज आप उसमें साइज चार्ट में देख सकते हो प्लीज प्लीट्स इस तरीके से आपको स्टिच मिल जाएंगी एंड काफी अच्छा लगता है लाइक ये उड़ने उड़ने वाला फैब्रिक नहीं है कि मतलब प्लीट्स ऐसे बनी है तो बन ही रहेगी बस आपको पहनने से पहले एक बार ना अच्छे से प्रेस कर लो इसको तो ये सारी दिन भर आपकी चलने वाली है बिल्कुल लाइट वेटेड है फैब्रिक वगैरह सब कुछ बहुत ही अच्छा है अगर आप टीचर वगैरह हो ना तो आप डेफिनेटली इसको ग्रैप कर लो डेली अगर जिनको पहनना होता है बहुत ही खूबसूरत साड़ी ऑप्शन है डेफिनेटली गो फॉर इट नेक्स्ट जो साड़ी है वो अगेन सेम फैब्रिक की है लाइट वेटेड मटेरियल में सॉफ्ट साड़ी ये भी डेली डेली के लिए एकदम परफेक्ट होने वाली है है का मेरा मतलब है कि जो ऑफिस या कॉलेज में साड़ी पहन के जाते हैं ना उनके लिए एकदम परफेक्ट होने वाला है कॉलेज में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा लाइक कॉलेज और स्कूल में जहाँ पे सिर्फ साड़ी ही अलाउड होता है तो उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है इवन आप फेयरवेल में भी इसको स्टाइल कर सकते हो फ्रेशर पार्टी में भी स्टाइल कर सकते हो जो औरतें लाइक like, घर में डेली वेयर के लिए साड़ी पहनती है उनके लिए भी

गाजरी पिंक कलर है ना वैसे कलर में मिल जाएगी एंड काफी ज्यादा खूबसूरत साड़ी है देखो मेरी मम्मी लोगों को तो ऐसे रेडी टू वेयर साड़ी नहीं पसंद है उन लोगों को तो ऐसे नॉर्मल साड़ी ही वो लोग हमेशा पहन सकती है अदरवाइज मैं अपनी मम्मी को गिफ्ट कर देती क्योंकि मेरी मम्मी डेली साड़ी पहनती है ना तो उनको इस तरीके की फेब्रिक्स काफी अच्छी लगती बट But... अगेन एज ए सेट डेली वेयर के लिए कॉलेज ऑफिस के लिए आप इसको कंसिडर कर सकते हो इसमें भी कई सारे कलर ऑप्शन अवेलेबल है तो आपने वो है पार्टी वेयर साड़ी अगर आप एक रेड कलर की प्रॉपर पार्टी वेयर सारी देख रहे हो तो इस साड़ी को पक्का ग्रैप कर सकते हो ये लाइकरा फैब्रिक की आपको साड़ी है ये प्री स्टिस्ड प्री ड्रेबड साड़ी ये देखिए आप पल्लू अल्लू सब इसमें स्टिच्ड है एंड इसके साथ ना आपको एक श्रग भी मिल जाएगा जो कि काफी अच्छा खासा एम्ब्रॉयडरी वाला श्रग है इसमें पूरा शीशे का काम दे रखा है आप देख सकते हो यहाँ पे काफी हैवी एंड इसमें जो ब्लाउज है वो आपको प्री स्टिज मिल जाएगा लाइक फुल्ली स्टिच्ड ब्लाउज मिल जाएगा साइड में चेन भी लगी हुई है तो फिटिंग काफी अच्छी आने वाली है इसमें कप्स नहीं है तो बहुत अच्छी बात है और इसमें मैंने साइज इसका मीडियम आ, पिक किया था काफी खूबसूरत लग रहा था पहनने के बाद जैसे कि आपको ऑन में दिख ही रहा होगा तो पार्टी वेयर के लिए ये ऑप्शन काफी अच्छा होने वाला है आप इसको वेडिंग फंक्शन में पहन सकते हो किसी की एंगेजमेंट फंक्शन में पहन सकते हो या फिर आप किसी भी पार्टी फंक्शन में इसको पहन सकते हो समर्स के टाइम पे लाइट वेटेड भी है एंड साथ ही साथ हैवी भी है तो इस इतना तो यार आप झेल ही सकते हो थोड़ा सा शादी वादी में एंड नेक्स्ट जो है वो एक नेट फैब्रिक में लहंगे स्टाइल में साड़ी है तो so अगर आप एक लहंगा स्टाइल में साड़ी देख रहे हो लाइट वेटेड फैब्रिक में लाइक uh, like, आ uh, क्या बोलते हैं इसको नेट फैब्रिक में तो आप डेफिनेटली इसको ग्रैप कर सकते हो लाइक बहुत सारे लोग इसको देखे होंगे uh, स्क्रीन पे मैं फोटो डाल दूंगी तो बहुत सारे लोगों को जैसे होता नहीं है डाउट होता है कि अच्छी आएगी कि नहीं आएगी तो अच्छी आई है सारी इसमें सबसे अच्छा प्लस पॉइंट ये है कि इसमें अलग से आपको पेटीकोट नहीं पहनना पड़ेगा क्योंकि तो ये प्री ड्रेप्ड साड़ी है और ये थोड़ा लहंगा स्टाइल में है तो स्कर्ट आपको इस तरीके से बनी हुई मिल जाएगी एंड इसमें आपको इस तरीके से पूरा भरा हुआ पल्लू भी मिल जाएगा कुछ इस तरीके से सो so अगर आपको नेट फैब्रिक की साड़ीज पसंद है सो डेफिनेटली गो एंड ग्रैब इट बिफोर इट गो आउट ऑफ स्टॉक तो so गाइज ये थी मेरी आज की कुछ रेडी टू वेयर साड़ी फ्रॉम मीशो काफी ज्यादा अफोर्डेबल रेट में है पार्टी वेयर भी है लाइट वेटेड भी है डेली वेयर भी भी है तो जो आपको पसंद आए आप जाओ ग्रैब कर लो सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे एंड तब तक वेट करो मेरे नेक्स्ट हॉल का अगर आप कुछ रिकमेंडेशन देना चाहते हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाय टेक केयर